हाँ, इस रूट से चालू हो गया तो दरभंगा से आप समझिए कोई भी ट्रेन चाहे दिल्ली जा रही हो या कहीं भी जा रही हो तो वो 2 से 3 घंटे कम टाइम लेगी। जो दरभंगा से लेकर के हम लोग उधर जाते हैं तो वो दिल्ली की तरफ जाते हैं तो 150 किलोमीटर लेंथ कम हो जाती है। ये उम्मीदों की सिटी है जो 5 साल बाद इस क्षेत्र के लोगों के कानों में गूंजी है आकर के, और ये गूंज खुशी की भी है क्योंकि 5 साल के बाद यहाँ की जिंदगी इस ट्रैक पर लौट आई है। सीआरएस निरीक्षण हो रहा है राघोपुर स्टेशन पर, जिसके बाद देखिए ट्रेन सीआरएस को लेकर के सीधा हमारे बगल से गुजरते हुए आ रही है। अभी यहाँ से क्रॉस करेगी, इसकी पूरी तस्वीरें आप इस कैमरे से देखेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि 5 साल पहले अमान परिवर्तन के नाम पर या अमान परिवर्तन के लिए इस रेलवे स्टेशन से आवागमन बंद हुआ था, उसके बाद पहली बार 14 डब्बों वाली ये ट्रेन गूंज मारते हुए इस स्टेशन तक पहुंची है। तो इस एरिया के लोग खुशी के माहौल में इस तरफ देख रहे हैं कि यहाँ की ज़िंदगी भी ट्रैक पर लौट आई है। देखिए किस तरह से ये WDM-3D इस की ये इंजन 14 डब्बे की 14 डब्बे वाले इस रेलगाड़ी को खींचते हुए सीधा आगे की तरफ ले जा रही है। इससे आगे एक सैलून गुजरा है जिसमें सीआरएस बैठे हुए थे, जिसका वॉयस इससे थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने बात की आपके लिए। और ये 14 डब्बे वाली ट्रेन इस क्षेत्र से पहली बार यानी 5 सालों बाद बड़ी लाइन की ये ट्रेन, पहले यहाँ छोटी लाइन हुआ करती थी, मीटर गेज हुआ करता था, उसके बाद अमान परिवर्तन हुआ और यहाँ ब्रॉड गेज लगा है। ब्रॉड गेज की पर पहली बार 14 डब्बों की ये गाड़ी इस क्षेत्र से गुजर रही है। आपको बता दें कि कल भी कोसी महासेतु पर सीआरएस निरीक्षण हुआ था। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने 2 इंस्पेक्शन किए हैं। कल हमने जो किया था सरायगढ़ से लेकर के अमानपुर तक किया था, वो 13 किलोमीटर लंबा था, जिसमें कोसी ब्रिज 2 किलोमीटर लंबा था वो, और बाकी 9 किलोमीटर में हाई बैंक है जहाँ पे फ्लड प्लेन और रिवर का खाडीर वगैरह है वो। तो कल बड़ा इंटेंसिव रात को 7-7.30 बजे तक इंस्पेक्शन चलता रहा। आज का जो इंस्पेक्शन है वो सरायगढ़ से लेकर के राघोपुर तक है। जहाँ तक काम की गुणवत्ता की बात है तो काम बहुत अच्छा हुआ है। ब्रिज में थोड़ी बहुत कमियां हैं कोसी ब्रिज पे, वो पूरी कर ली जाएंगी अगले 10-15 दिनों में। इस सेक्शन में भी 1-2 जगह जो है कुछ कमियां पाई गई हैं जिसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे, और जितना जल्द से जल्द होगा वो ट्रेन का आवागमन यहाँ पर चालू हो जाएगा राघोपुर से अमानपुर तक। हमसे बातचीत में CCRS शैलेश कुमार पाठक ने बताया कि जब कोसी महासेतु से होते हुए ट्रेन सीधा दरभंगा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी तो इस क्षेत्र के लोगों का 3 घंटे का समय बच जाएगा। इसके लिए अभी लगभग 42 किलोमीटर का पैचेस है जिस पर निर्माण कार्य होना है, जिसे मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। सुपौल से सरायगढ़ के बीच में सीआरएस हुआ, लेकिन वहाँ ट्रेन चलने की अभी तक कोई घोषणा हुई नहीं, कोई पैसेंजर गाड़ी पैंडेमिक के बीच में स्पेशल कई ट्रेन आई लेकिन वहाँ तक कोई ट्रेन अभी तक नहीं है। देखिए इसलिए नहीं आई क्योंकि आगे का सेक्शन अभी खुला नहीं है, तो हमें मान लो हम 1 ट्रेन सिस्टम अभी चलाते भी हैं तो उसमें कोई ट्रैफिक हमको मिलता नहीं है। जितनी देर आपको गाड़ी से आने में लगेगा, आप समझ लीजिए कि आपको रोड बनाना है फ्रॉम A to B, मान लो दरभंगा से मधुबनी जाना है, बीच में रास्ता कटा हुआ है, जहाँ तक रास्ता बना वहाँ तक तो गाड़ी नहीं जाएगी। तो ये वही वाली स्थिति है कि 42 किलोमीटर का पैच है जो पड़ा हुआ बचा हुआ है। यदि वो 42 किलोमीटर का पूरा हो जाएगा जो दरभंगा से लेकर के हम लोग उधर जाते हैं तो वो दिल्ली की तरफ जाते हैं तो 150 किलोमीटर लेंथ कम हो जाएगा अगर इस रूट से चालू हो जाएगा। हाँ, इस रूट से चालू हो गया तो दरभंगा से आप समझिए कोई भी ट्रेन चाहे दिल्ली जा रही हो या कहीं भी जा रही हो तो वो 2 से 3 घंटे कम टाइम लेगी। कोसी वासियों के लिए कल यानी 13 अगस्त और आज यानी 14 अगस्त यह दोनों ही दिन खुशियों के खबरों वाला रहा, क्योंकि कल कोसी महासेतु पर सीआरएस निरीक्षण हुआ था तो आज सरायगढ़ से राघोपुर स्टेशन के बीच में भी सीआरएस निरीक्षण किया गया। सेंट्रल रेलवे के चीफ अकाउंट ऑफिसर से हमने पूछा कि राघोपुर से लेकर फारबिसगंज के बीच में जो ट्रेन 2008 के कोसी के त्रासदी में बंद हुआ था वो कब शुरू होगा, तो सुनिए पूर्व मध्य रेलवे के चीफ अकाउंट ऑफिसर ने क्या जवाब दिया। ये वाला जो काम है वहाँ भी चल रहा है काम, ये राघोपुर से फॉरबेसगंज, और जो हमारा प्लानिंग है हम फॉरबेसगंज जो है दिसंबर 2021 में पहुँचने का प्रयास करेंगे। इसमें बस
समस्या वही है जो फंड अलॉटमेंट की, जैसे जैसे फंड मिलेगा हम बिल्कुल दिसंबर 2021 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। हम हमेशा ही आपके लिए इस तरह के पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें लेकर आते रहते हैं। इसके लिए आप चाहें तो हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।